दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। ये कैसी अपशगुन की है शुरुआत, पानी पर डूबी हुई बोट से शिवसेना ने साधा बीजेपी पर निशाना। दिल्ली में दो मराठी बहनों की हत्या, देश भर में आज सीबीआई कार्यालय के सामने मोर्चा। शिवाजी महाराज के समृद्ध स्मारक के लिए श्रद्धा काम और राजनीतिक राजकारण के घटिए पहलू नजर आ रहे हैं। ये स्मारक सरकार बना रही है, ऐसे तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, बल्कि भाजपा बना रही है ऐसा साफ पता चल रहा है। इसीलिए शिवसेना ने भाजपा पर निशाना साधा है। शिवाजी महाराज का स्मारक बने, लेकिन पानी में डूबी हुई नाव की तरह स्मारकों को लेकर बीजेपी का राजकारण भी डूब जाए, ऐसा सेना ने कहा। महाराष्ट्र में स्मारक के नाम पर बीजेपी वोट मांगती है, जुमलेबाजी करती है, पैसा भी यही से कमाती है, लेकिन काम क्यों अधूरा है, सेना ने चिंता व्यक्त की। सीबीआई के संचालक आलोक वर्मा पर सख्ती विरोध में कांग्रेस देश भर में सीबीआई कार्यालय के सामने आज मोर्चा निकाला। केंद्रीय गुला विभाग के संचालक वर्मा और विशेष संचालक सख्ती विरोध में भ्रष्टाचार के खिलाफ केस दर्ज कराई है। यह गंभीर केस केंद्र सरकार ने इन दोनों पर सख्ती करते हुए भेजा है। राजधानी दिल्ली में रहने वाली महाराष्ट्र के परिवार में दो हत्या हो गई है। मृतक के नाम आशा पाठक, उषा पाठक। इस दो बहनों की हत्या उन्हीं के घर में हुई है। दिल्ली के पश्चिम बिहार परिसर में आनंद वन सोसाइटी यहाँ दर्दनाक घटना हुई है। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे MNS न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।